subscribe my channel and press the bell icon. अक्षय कुमार की तीसरी ब्लॉकबस्टर फिल्म बनी गोल्ड। हाय फ्रेंड, मैं हूं निभा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड ब्रेकफास्ट। दोस्तों, अक्षय कुमार की गोल्ड बॉक्स ऑफिस पर लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है और ये तय माना जा रहा है कि फिल्म का बजट इतना कम है कि फिल्म ब्लॉकबस्टर हो जाएगी। दोस्तों, हालांकि इससे भी दिलचस्प बात यह है कि अक्षय कुमार की फिल्म उनकी पूरे करियर की ये तीसरी ब्लॉकबस्टर फिल्म होगी, जबकि गोल्ड अक्षय कुमार की 104वीं फिल्म है। अपने पूरे करियर में अक्षय कुमार ने केवल दो ही ब्लॉकबस्टर फिल्में दी है, एक करियर की शुरुआत में ही मोहरा और दूसरी करियर के नए पड़ाव में रॉडी राठौर। अगर दिलचस्प आंकड़ों की बात करें तो अक्षय कुमार के पास केवल 10 सुपरहिट फिल्मों की लिस्ट है, जिनमें से कोई भी फिल्म 150 करोड़ का आंकड़ा भी नहीं छू पाई। दोस्तों, बॉक्स ऑफिस के लिए अक्षय कुमार की गोल्डन टिकट यानी उनके पास सफलता की पूरी गारंटी है। वो जो भी करते हैं वो बॉक्स ऑफिस पर तुरंत हिट हो जाता है। उम्मीद कर रहे हैं कि गोल्ड के साथ अक्षय कुमार का बॉक्स ऑफिस 100 करोड़ के बाद गोल्डन जुबली मान ही ले। अब तक अक्षय कुमार की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा, जिसने बॉक्स ऑफिस पर 133 करोड़ की कमाई की, यानी कि 27 साल की करियर में अक्षय कुमार की अभी तक 150 करोड़ की कलम में राह ही देख रहे हैं। तो दोस्तों, इस फिल्म के बारे में आपकी क्या राय है, आप अपने कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय लिख कर दे सकते हैं। अगर आप नए विजिटर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इस चैनल का बने रहें।